खबरों का, लेकिन उससे पहले लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी के मेडिकल कॉलेजों में घटिया पीपीई किट सप्लाई करी गई। नोएडा मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस बात की शिकायत की। मेडिकल कॉरपोरेशन ने घटिया पीपीई किट की सप्लाई की, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की बड़ी लापरवाही आई है सामने। मेडिकल कॉरपोरेशन ने घटिया पीपीई किट की सप्लाई, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, एक तरफ हम अच्छे से जानते हैं कि कोरोना वायरस में पीपीई किट कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसके बाद यूपी मेडिकल जो सप्लाई कर रहा है उसमें इतनी बड़ी लापरवाही आना किस हद तक सही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश कोरोना के संक्रमण के चपेट में है, और इससे बचाव के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा हम लोगों का सहयोग कर रहा है या जिसको भगवान का रूप अगर हम कहते हैं तो वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट दी जाती है कि जो भी संक्रमित मरीज आ रहे हैं उनसे उन डॉक्टरों की जान को बचाया जा सके, उनमें संक्रमण ना फैले, इसको लेकर के ये किट सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाया गया है उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल जो भी सप्लाई की जाती है उसके लिए कॉरपोरेशन बनाया गया। लेकिन जो इस तरह का सप्लाई इसने किया है, जिस तरह की घटिया किस्म की पीपी किट इन्होंने सप्लाई करी है, उस पर सवाल अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये खुद जो नोएडा डीआईएमसी मेडिकल कॉलेज है उसके डायरेक्टर और मेडिकल मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिखित लेटर लिखा और इसको डीजीएमई को उन्होंने सीधे कहा है कि जो भी क्वालिटी सप्लाई की जा रही है किट्स की वो बहुत ही घटिया किस्म की है। इसको देखते हुए डीजीएमई ने तत्काल एक लेटर जारी किया और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जो भी कुलपति हैं या डायरेक्टर्स हैं जिन मेडिकल कॉलेजेस में, उनको सीधे आदेश दिया कि जो भी सप्लाई मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से की गई है उसको तत्काल वापस करें, जो भी मानक के अनुरूप नहीं है उसको तत्काल वापस करें, और इस किट का इस्तेमाल पूरी तरह से रोकने की उन्होंने बात कही है। और अब इसमें सवाल उठता है कि आखिर जब मेडिकल कॉर्पोरेशन के लिए जिम्मेदारी बनाई गई है, उसके लिए पूरी तरह से अभी मेडिकल कॉर्पोरेशन योगी सरकार ने ही इसको फॉर्म किया है, पहले सीएमएसडी से ये सप्लाई होती थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करप्शन खत्म करने के लिए ही इस कॉर्पोरेशन को खड़ा किया। अब ऐसे में एक आईएएस अधिकारी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, प्रबंध निदेशक आईएएस अधिकारी को बनाया गया है, आखिर ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उससे ये भी है कि जो सैनिटाइजर वहां से दिया जा रहा है उस वो भी मानक के अनुरूप नहीं है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिरकार उसकी जांच या उसको मानकों के अनुरूप सप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या आखिर बात है, जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? सरकार लगातार काम कर रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर के या फिर जो भी प्रोटेक्शन किट्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी भूमिका निभानी होगी और ऐसे संकट के दौर में ईमानदारी से काम करें, ना कि किसी अप्रत्यक्ष लाभ को देखते हुए इस तरह के घटिया क्वालिटी के सामान को खरीदें। जी बिल्कुल मनीष, ऐसे संकट की घड़ी में इस तरीके की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यूपी मेडिकल कॉलेजों में घटिया पीपीई किट सप्लाई कर दी गई है, जिसके बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने लेटर लिखकर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ये पीपीई किट वापस लें और मानक के अनुरूप जो पीपीई किट है वो उन्हें दी जाएगी।